Hey guys, good morning. Welcome to the Vikrant Academy. So today we are going to start a new topic, that is the preamble of Indian Constitution. So the first question is, what is preamble? So first I am showing you the image of the preamble, right? You can see here, this is the preamble of India kept in the museum in Delhi, right? So here you can see it is written in both Hindi and English, so it is not visible, but I will give you the clear pictures of this whole text. So first we will understand what is the definition of preamble, right? And what is preamble? So basically preamble is the introduction or preface of constitution. आप सभी को पता है कि जब भी आप एक बुक खरीदते हो तो बुक में जो है सबसे पहले ऊपर में प्रीफेस दिया हुआ होता है. उस प्रीफेस में क्या लिखा हुआ होता है? इट इज अ समराइज वर्सन ऑफ होल बुक, राइट? कि पूरे बुक में क्या लिखा हुआ है उसका पूरा समराइज वर्सन कहाँ पर होता है? प्रीफेस में होता है. जस्ट लाइक दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक प्रीफेस है जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, राइट? इसका हिंदी अर्थ होता है प्रस्तावना, राइट? सो ये जो प्रियम्बल है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी लिखा हुआ है, इसका समराइज्ड वर्शन लिखा हुआ है, इसका एसेंस लिखा है कि इस प्रियम्बल का क्या उपयोग होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ये सारी चीजें प्रियम्बल में लिखी हुई है. सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट 1776 में जो है अमेरिका इंडिपेंडेंट बना था. अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड टू बिकम अ डेमोक्रेसी, राइट? एंड इन दिस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल वॉज फर्स्ट टाइम यूज, राइट? सो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था जहां पर की प्रियम्बल को लिखा गया था, राइट? एंड नाउ अ डेज ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैव इट्स प्रियम्बल. सो हमारे कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो प्रियम्बल लिखे गए वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेस पे लिखा गया था. मैंने बताया व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट दिस इज अ रिजोल्यूशन मूव बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट? In which it is written that what will be the objective of our constitution. हमारा जो constituent assembly है, जो constitution बना रहा है, उसका objective क्या होगा, ठीक है? Nature क्या होगा, ये सारे चीजें objective resolution में लिखा हुआ था. बाद में इसी objective resolution को preamble बना दिया गया, थोड़ा सा modify करके. जो हमारा preamble है, इसको amend किया गया है, right? 42nd अमेंडमेंट में तीन वर्ड ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. सो 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में हुआ था. सो ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यू हैव टू रिमेंबर इट. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज द टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल. क्या लिखा हुआ है मैं एक बार पढ़ता हूं. वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, हैविंग सोलेमनली resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये चार terms हैं, right? These four terms talks about the nature of our constitution. कि हमारा constitution का nature क्या होगा, right? हमारा constitution कैसा होगा? Sovereign होगा, socialist होगा, secular होगा, मतलब हमारे constitution का कोई भी religion नहीं होगा. डेमोक्रेटिक होगा, दैट मीन्स पीपल का रूल होगा. रिपब्लिक होगा, मतलब जो हेड है उसको बार बार चुना जाएगा. तो दिस इज नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? ये कौन बता रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. हम लोग बता रहे हैं कि हमारा कंट्री, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका नेचर कैसा होगा. फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर प्रीएम्बल, ठीक है? तो इसमें देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है. टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, ठीक है? तो उद्देश्य में क्या है? हर एक लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिलाना, लोगों को लिबर्टी मतलब फ्रीडम, राइट, कुछ भी सोचने का अधिकार, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने का अधिकार, जो वो विश्वास करते हैं, जिस भगवान की पूजा करते हैं, ये सब कुछ वो फ्रीली कर सकते हैं, दैट इज लिबर्टी. तीसरा ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी, लोगों के बीच इक्वालिटी लाना, सब लोग को समानता देना, राइट? और
टू इंश्योर फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, लोगों के बीच आपसी संबंध अच्छे हों, राइट, ये ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। देन हमारा जो लास्ट पार्ट है ये है डेट ऑफ अडॉप्शन, 21 दिन हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, दैट इज 26th डे ऑफ नवंबर 1949, राइट। हमने इसको अडॉप्ट किया, ठीक है, इनेक्ट किया मतलब लागू किया, और गिव टू आवर सेल्फ दैट मीन्स इसको हमने खुद को दिया, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पावर कहाँ से आ रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, पीपल ऑफ इंडिया से, राइट। और किसको मिल रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन, हम ही को मिल रहा है, हम ही ने बनाया, हम ही को दे रहे हैं, ताकि हमारा जो समाज है, हमारा जो कंट्री है वो ठीक से चल सके। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, यू कैन इजिली रीड इट आउट, अगर आप इसको पढ़ोगे ये हिंदी वर्ड लिखा हुआ है, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई न्याय, स्वतंत्रता, समानता, है ना, बंधुता मतलब भाईचारा, पंत निरपेक्ष, किसी भी तरह का कोई धर्म नहीं है, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक मतलब पीपल्स रूल, गणराज्य, है ना, प्रभुत्व संपन्न। सो दीज आर द वर्ड्स मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो आपको एक बार देख लेना है, हम इन सभी वर्ड को डिस्कस करेंगे। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव फोर कंपोनेंट्स, चार कंपोनेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, किस कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिल रहा है, तो पावर कहाँ से मिलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कौन दे रहा है पावर, हम खुद दे रहे हैं, है ना, हम सभी लोग मिलके दे रहे हैं। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स, हमारा जो कंट्री है उसका नेचर कैसा होगा, तो हमारा कंट्री का नेचर सॉवरेन होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको, सोशलिस्ट है होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिकन होगा, राइट। देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, टू गिव जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव एंड डेट ऑफ अडॉप्शन, राइट। सो ये सारा बात हो गया, अब हम एक एक करके सारे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। सो सबसे पहला वर्ड है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है कि हमारी जो कंट्री होगी वो किसी और फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। आजादी से पहले हमारा कंट्री किसके ऊपर डिपेंड था, ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड था, ब्रिटेन लोग जो फैसला लेते थे हम उसके अकॉर्डिंग काम करते थे, राइट। सो किसी तरह का कोई डिपेंडेंसी नहीं होगा, और ना ही कोई दूसरी कंट्री हमें डोमिनेट करेगी, ठीक है, हम ना तो किसी के ऊपर डिपेंड होंगे, ना ही कोई दूसरी कंट्री हमें डोमिनेट करेगी, ठीक है। हमारा कंट्री क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इसको हम सॉवरेन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे कंट्री के ऊपर किसी और का अथॉरिटी नहीं चलेगा, ठीक है। हम अपना एक्सटर्नल और इंटरनल मामला, हमारे कंट्री में जो हो रहा है या फिर हमारे कंट्री का बाहर वाले कंट्री के साथ जो रिलेशन है, उस सारे मामले को कंट्रोल कौन करेगा, हम खुद करेंगे, ना कि कोई दूसरा करेगा, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉवरेन, राइट, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज सोशलिस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एज ऑल ऑफ यू नो दैट दिस वर्ड सोशलिज्म, राइट, यहाँ पर सोशलिज्म इज ऑफ टू टाइप, एक है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, दूसरा है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इन 1917 व्हाट हैपेंड इन रशिया, रशिया एक कंट्री है, आपको पता है यूएसएसआर, पहले इसको यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, अभी रशिया है, राइट, दिस इज अ वन ऑफ द कंट्री ऑफ यूएसएसआर। यहाँ पर क्या हुआ था, 1970 में रिवोल्ट हुआ। इस रिवोल्ट में ये बोला गया, जब पूरी कंट्री की जो भी रिसोर्सेस हैं, कंट्री में जो भी है, लैंड है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, ये सब कुछ किसका है, गवर्नमेंट का है, किसका है, गवर्नमेंट का है, और ये सारी प्रॉपर्टी सभी के बीच इक्वली डिवाइड किया जाएगा, राइट। रशिया में ऐसा हुआ था, कैन यू इमेजिन नाउ, अगर आज हमारे डेट में आज हमारी कंट्री ये कहे कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पूरे देश के सभी लोगों का प्रॉपर्टी छीन रहे हैं और जो भी रिसोर्सेस होंगे उन सभी रिसोर्सेस को इक्वली डिवाइड कर देंगे, सब लोग
तो पास बराबर बराबर पैसे होंगे। तो इस तरह के काम को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया रसिया ने? उन्होंने किया ताकि कंट्री में जो लोग, कई सारे लोग जो गरीब हैं, ठीक है, उनको भी कुछ पैसे मिल सके, राइट। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ रसिया में, जो पैसे अमीर के हैं उसको छीन के गरीब को दिया जा रहा था, राइट। सो इस तरह के सोशलिज्म को क्या कहा जाता है? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। मतलब कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी कंट्री में रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उन सभी रिसोर्सेस को गवर्नमेंट ओन कर लेती है। किसी भी तरह का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, किसी भी लोगों के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, गवर्नमेंट ही सब कुछ प्लान करती है, गवर्नमेंट ही सभी को जॉब देती है, गवर्नमेंट ही सभी को खाना देती है, राइट, और वो भी इक्वल अमाउंट में। इसको कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कहा जाता है, जो कि हमारे इंडिया में नहीं है। हमारे इंडिया में सोशलिज्म है, वो सोशलिज्म है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सो बेसिकली अब तक आपको समझ में आ गया होगा, सोशलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा कंट्री जहां पर गवर्नमेंट ये चाहती हो कि लोगों के बीच पैसे और रिसोर्स इक्वली डिवाइडेड हो, राइट। तो हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? हमारे कंट्री में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम रसिया के तरह ऐसा नहीं करेंगे कि सारा पैसा अमीरों का छीन के गरीबों में बांट देंगे, राइट। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, लोगों को बीच जो पॉवर्टी है उस पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके, डिजीज को कम किया जा सके, जो इनइक्वालिटी है समाज में उसको कम किया जा सके इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, राइट, पैसे के मामले में या फिर हेल्थ के मामले में जो इनइक्वालिटी है उसको हम क्या कर सकें, कम कर सकें। लेकिन इस गरीबी को हटाने के लिए हम ये नहीं करेंगे कि अमीरों का पैसा छीन के गरीबों को दे दें, राइट। तो इस तरह के सिस्टम को हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी रिमूव करना, लेकिन पॉवर्टी रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कई तरह के टैक्सेस लगाएंगे। देखो आज हमारे डेट में, आज हमारे कंट्री में अगर आप टैक्स सिस्टम की बात करते हो तो टैक्स सिस्टम इसी चीज की बात करती है कि जो इंसान ज्यादा पैसा कमाता है उसको 30% टैक्स लगते हैं, जो कम कमाता है उसको 5% लगते हैं, राइट, या फिर जो बिल्कुल नहीं कमाता है, 2.5 लाख रुपए से कम कमाता है उसको 0% टैक्स लगता है। व्हाट इज इट? ये जो 30% टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है रिच पीपल से, व्हाई? सो दैट दिस टैक्स कैन बी यूज फॉर बेटरमेंट ऑफ द पुअर पीपल, राइट। So this is the meaning of socialism. So simply socialism means it is a system where government promote equality, economic equality among the citizens of the country. Come to the third word, secular state. So all of you know that secular means क्या होता है? आजकल आपने ये सारे word काफी ज्यादा सुन भी रहे होंगे news में। Secular state का मतलब होता है कि हमारा constitution जो है किसी भी religion को ऑफिशियल नहीं मानता है, राइट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सारे रिलीजन को इक्वली देखता है और सभी को सेम स्टेटस और सेम सपोर्ट गवर्नमेंट देती है सारे रिलीजन, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ। कि कंट्री में कौन सा रिलीजन कितना ज्यादा नंबर में है, कौन कम है, इसको बिना देखे हुए हर एक रिलीजन को इक्वल अमाउंट में सपोर्ट और इक्वल स्टेटस देती है। इसी को हम क्या कहते हैं? सेक्युलर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा कंट्री सेक्युलर है। इस सेक्युलर टर्म को आप यू कैन इजीली इस तरह से कह सकते हो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी सेक्युलरिज्म के बारे में बात की, राइट। तो आज हमारे कंट्री में आप देख लो कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो ये सेक्युलरिज्म की बात करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट मीन्स एनीबडी can practice their own religion, right? Nobody can force anybody to convert into another religion. Nobody can stop to practicing the religion. कोई भी किसी को religion practice करने से नहीं रोक सकता। So this is the word secular. So ये secular word है, ये 1976 में add किया गया था through 42nd Amendment Act, right? हालांकि ऐसा नहीं है कि सेक्युलरिज्म तभी से आया था। सेक्युलर
जो फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बहुत पहले से था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी समय ये सारे प्रोविजंस लिखे गए थे कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी रिलीजन इक्वल है, सभी रिलीजन को अपना फॉलो, सभी कम्युनिटी को अपना रिलीजन फॉलो करने का अधिकार है। लेकिन प्रियम्बल में ये टर्म कब ऐड किया गया था, 1776 में, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज द डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब सिंपल सा आपको पता है, पीपल्स रूल, राइट। एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पर कि लोग रूल करते हैं। तो आज हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यस और नो? सो आप देखो कि हमारे कंट्री में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं कि कौन हमें रूल करेगा, कौन हमारे लिए डिसीजन लेगा, राइट। सो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है। सो डेमोक्रेसी के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, अब देखो मान लेते हैं कि एक छोटा सा गांव है, राइट। इस गांव में 15 लोग मिलके बैठते हैं, 15 लोग हैं, ये 15 लोग एक साथ बैठते हैं और एक साथ डिसीजन लेते हैं कि गांव में क्या होना चाहिए, रोडवेज बनना चाहिए या फिर गांव में ड्रेनेज का प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्यों डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी लोग जो रहने वाले हैं वो सभी लोग मिल बैठ के ये डिसीजन लेते हैं कि गांव में क्या होना चाहिए, इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, जो आज हमारे कंट्री में है। आप देखो हमारे कंट्री में क्या है कि हम क्या करते हैं, एक एमपी को चुनते हैं, राइट। अब एमपी जिसको कि हमने चुना है ये पार्लियामेंट में बैठता है, 545 एमपी है, ये सभी लोग मिलके, ठीक है, हमारे पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं, ठीक है। टेक एन एग्जांपल कि हमारे कंट्री में 135 करोड़ पीपल है। सो 135 करोड़ पीपल के लिए 545 मेंबर्स क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं, राइट। तो क्वेश्चन है कि क्या हम खुद से डिसीजन ले रहे हैं, नहीं, हम डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हमारे बदले कौन ले रहा है, ये सारे एमपीज ले रहे हैं, राइट, जिसको हमने चुन के भेजा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ, हमने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना, रिप्रेजेंटेटिव मेरे लिए डिसीजन ले रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब क्वेश्चन है कि हमारे कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं हो सकता है। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होने का प्रॉब्लम ये है कि 135 करोड़ लोग एक साथ मिलकर बैठ नहीं सकते, इतना जगह तो है नहीं। दूसरी बात, अगर एक साथ बैठ भी जाएं तो क्या होगा, डिसीजन नहीं हो पाएगा। आप सोचो कि कहीं एक स्टेडियम में 135 करोड़ लोग बैठे हुए हैं, डू यू थिंक दैट दे विल बी एबल टू टेक डिसीजन, कोई डिसीजन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तीसरा प्रॉब्लम ये भी है कि कई सारे लोग काम करते हैं, है ना, अपना अपना काम करते हैं, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई लेबर का काम कर रहा है, क्या आपको लगता है कि वो सभी लोग डेली आके बैठ पाएंगे डिसीजन लेने के लिए, नहीं बैठ पाएंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई वी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर इनडायरेक्ट यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो अब ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी जो है या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज पार्लियामेंट्री, एज ऑल ऑफ यू नो दैट हमारे कंट्री में पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव के साथ मिक्स किया हुआ है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वहां पर जो लेजिस्लेचर है उनके मेंबर्स अलग इलेक्ट होते हैं और जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन अलग होता है, मतलब लोग दो बार इलेक्शन होता है, एक बार प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होता है और एक बार एमपीज के लिए होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके लिए इलेक्शन होता है, राइट। सो ये एग्जाम्पल है यूएसए और ये एग्जाम्पल है इंडिया और ब्रिटेन, राइट। सो हमने इसके बारे में पहले डिस्कस किया है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अनदर टर्म इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।